Him Agro, chemicals and nutrients, deals in all kind of power tiller, power sprayers, tractor, pesticide, etc. Address Krishna Bhavan Village Shanti, Rajgarh Road, Solan. Contact 94180-833-25-826-29-12345. सोलन के अधिष्ठात्री मां शूलनी की इस वर्ष पालकी ना निकालने के निर्णय का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि मां की पालकी निकालने की परंपरा बरकरार रहनी चाहिए और इसके लिए उचित दूरी सहित अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। मां शूलनी और उनकी बहन मां दुर्गा के मिलन के प्रतीक इस पर्व का प्राचीन इतिहास है। लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते इस वर्ष मेला हो पाना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मां की पालकी को पूरे नियमों के तहत निकालना चाहिए। मैं सुमित खन्ना सोलन शहर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 7 में। तो आज जैसे मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि माता का जो डोला है वो नहीं निकल रहा है। मेला तो हमारे को पहले ही पता था कि इस बार नहीं होगा, पर हमारे को यह था कि डोला निकलेगा इस बार और वो माता अपने बहन से मिलने जाएगी। पर जब मैंने आज सुना वो मीडिया के माध्यम से तो मुझे बड़ा धक्का जैसा लगा कि ये क्या कर रहा है प्रशासन। प्रशासन चाह क्या रहा है? ये जो माता हमारी है इनके कृपा से ही हमारा ये जो सोने चेहरा अभी तक बचा हुआ है। ऐसा ना हो कि ये महामारी और बढ़ जाए ये मेला ना करने की वजह से, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर बाय चांस अगर ये कोविड फैल गया और ज़्यादा फैल गया तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? हम ये चाहते हैं कि माता का डोला जो है वो उसी परंपरा तरीके से निकले। माता की जो पालकी है ये निकलनी चाहिए और यह हर साल बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से निकलती है। ये कोरोना वायरस की वजह से ज़रा कुछ ऐसे है, ये इसमें फिर भी ये निकाली जाए शोभा यात्रा इसकी। मैं निशांत गोयल सोलन शहर का एक साधारण नागरिक, मुझे आज शाम को दोपहर होते होते पता चला कि हमारे आदरणीय DC साहब ने डिसीजन लिया है कि इस बार मेले पर माता की डोली नहीं निकलेगी। कोई शोभा यात्रा इस साल बाज़ार में नहीं निकाली जाएगी। ये जानकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद हुआ। जो परंपरा हमें बताई गई है, हमने दे तो देखी है, हम तो छोटे हैं, लेकिन जो हमें बताई गई है बहुत टाइम से चलती आ रही है। शूलनी माता की ये डोली निकलती है, 3 दिन का मेला रहता है। मेला तो हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि COVID-19 ऑन है, इसकी वजह से हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए, ये धार्मिक स्थल में नहीं जाना जाना चाहिए। लेकिन जो एक परंपरा चलती आई है बहुत टाइम से, माता शूलनी की जो झांकी निकलती आई है, झांकियां नहीं भी निकलें लेकिन एक माता की डोली तो ज़रूर निकलनी चाहिए। जो दोनों बहनों का मिलन बताया जाता है वो तो ज़रूर होना चाहिए, जो हमारे विचार में है। सिर्फ मेरा विचार नहीं, ये जितने भी लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई या सोशल मीडिया पे भी मैंने इस बारे में पोस्ट डाला, जितने भी लोगों के रिएक्शन इस बारे में आ रहे हैं, तो इस डिसीजन से सभी लोग बहुत आहत हैं। इसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है, मतलब हर एक आदमी, हर एक वर्ग का आदमी, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बिजनेस पेशा, वो नौकरी पेशा आदमी हो, स्टूडेंट हो, बुज़ुर्ग हो, हर एक आदमी चाहता है कि माता की डोली तो कम से कम बाज़ार से निकलनी चाहिए। बाज़ार से बेशक ना भी निकले तो भी जो प्रशासन को लगता है सबसे शॉर्ट रास्ता हो सकता है, सबसे शॉर्ट तरीका हो सकता है माता रानी की डोली निकालने का, तो हमारा आग्रह यही रहेगा कि वो डोली ज़रूर निकलनी चाहिए। दिव्य हिमाचल TV के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।